सब्सक्राइब करें नेटी पहाड़ी चैनल को और लाइक एंड शेयर करें वीडियो को। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू नेटी पहाड़ी। और आज हम आपका वेलकम कर रहे हैं पैनोलिम बीच से। बहुत ही शानदार नज़ारा है दोस्तों, देख पा रहे होंगे आप। तो कल रात भी हम यहीं पर थे, मतलब इवनिंग भी हम पैनोलिम बीच पर ही थे। और उससे पहले हमने दिखाया आपको बटरफ्लाई बीच और डॉल्फिन वगैरह, हमने जो बोट राइडिंग की थी वहाँ से। और पीछे देखेंगे, देखिए बहुत अच्छा इस समय माहौल है मॉर्निंग में भी, तो माहौल काफ़ी अच्छा है, शांत बीच है, पीसफुल है, कोई आपको उतना डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये है मॉर्निंग और पीछे हमारा हाईटाइट रिसॉर्ट। रिसॉर्ट ठीक है, हमने आपको कल दिखाया था, वुडन आपके फ्लैट्स बने हुए हैं, वुडन कॉटेजेस। और दूसरी बात ये है ना दोस्तों, जैसे आप ऊपर वाला अगर देख पा रहे होंगे ना, जो ये ऊपर वाला ना वो देख पा रहे होंगे, बरसातों में अभी कुछ टाइम बाद जब यहाँ पर रेनी सीजन स्टार्ट हो जाएगा ना, तो वो बंद कर दिए जाएंगे, या वो बोल रहे थे तोड़ दिए जाएंगे। तो मैक्सिमम आपका मेरे ख्याल से मई जून से, आपका शायद जून से लेके अगस्त एंड तक आपका ये रिसॉर्ट जो रहते हैं ना बंद ही रहते हैं, और शायद कुछ ही खुले रहेंगे, मैक्सिमम आपके बंद ही रहते हैं। और उसके बाद से सितंबर से फिर आपके रिसॉर्ट्स खुल जाते हैं। तो सीज़न यही रहता है सितंबर से अप्रैल मई तक। तो अगर आप भी सीज़न में आते हैं ना, तो काफ़ी कुछ एंजॉय कर सकते हैं। चलिए आज इसके बाद हम थोड़ी देर तो शैक्स में बैठेंगे, उसके बाद प्लान कर रहे हैं कोला बीच जाने का। तो दिखाते हैं आपको भी, अपने साथ बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगोंडा बीच रोड है ये, अगोंडा रोड इसको बोलते हैं। कोला बीच जा रहे हैं, तो रास्ता देखिए, रास्ता कितना अच्छा है। साउथ गोवा में ना वैसे काफी पीसफुल रास्ते ही मिलेंगे। कोला और अगोंडा बीच है ना दोस्तों, वो जाने का रास्ता आपका ऑलमोस्ट एक ही है। अब कोला बीच अगोंडा बीच के नॉर्थ में स्थित है, और पैलोनियम बीच से कोला बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो करीबन 16 किलोमीटर है। तो मान के चलिए 25 टू 30 मिनट्स इतना तो आपको टाइम लगेगा ही। तो यहाँ से हमें लेना है कोला बीच के लिए लेफ्ट, और कैनंगम के लिए स्ट्रेट हो जाता है, और मार्केट के लिए राइट। तो नीचे जाएंगे हम कोला बीच के लिए, लेफ्ट ले लो। कोला बीच जाने के लिए ना जो आपका रास्ता है वो उतना अच्छा ही नहीं मिलेगा। तो ये करीबन आप यहाँ तक अपनी गाड़ी लेके आ सकते हैं, टू व्हीलर्स फिर भी आगे तक जा पाएंगे। लेकिन देखिए फोर व्हीलर्स के लिए अगर मैं बोलूँगा ना, तो अभी तो देखिए ये वाला पैच आपको दिख रहा है, तो यहाँ फिर भी फोर व्हीलर चलाना ईजी था कंपेरेटिवली। तो मेन रोड से करीबन आप मान के चलिए मतलब 500 मीटर्स आप यहाँ तक को आएंगे। यहाँ पर अपनी आप फोर व्हीलर अगर कार में आए हैं तो यहाँ पर आप पार्क कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद का जो रास्ता है वो थोड़ा पैची है। यहाँ से करीबन आपको और 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर आना। तो अब ये रास्ता आप देख रहे हैं ना, ये रास्ता दोस्तों काफ़ी मैं कहूँगा काइंड ऑफ ऑफ रोडिंग हो जाता है। इवन हम टू व्हीलर में गए थे तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही थी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं गाड़ियाँ तो हैं, यहाँ पार्क कर सकते हैं आप कार्स वगैरह, टू व्हीलर्स। और जो बाइक की पार्किंग थी 50 रुपये, कार की कितनी है भैया? कार का 100 है। हाँ, तो कार की 100 रुपये है और बाइक की आपकी 50 रुपये। तो यहाँ तक आप गाड़ी लेके आ सकते हैं, उसके बाद नीचे की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। हाँ, और एक बात और थी कि यहाँ पर ना अगर आपका एयरटेल का सिम है वो तो नहीं चलता है, नेटवर्क का थोड़ा इशू रहेगा, तो वो थोड़ा आप देख लीजिए। तो गूगल पे भी वैसे कर सकते हैं अगर आपका नेट चल रहा है तो, पार्किंग के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको रिसॉर्ट वगैरह मिल जाएंगे, ये ठीक है। बाकी शैक्स वगैरह भी यहाँ पर लगे हुए हैं, शैक्स नहीं तो मतलब बैठने के लिए रेस्टोरेंट टाइप के। और बीच एरिया तो आपका ये हो गया, फिर वहाँ आगे कैकिंग होती है, 200 रुपीज़ ईच पर्सन उन्होंने बोला है। तो प्लान है हमारा करने का नदी में कैकिंग। सो ये है बीच, तो यहाँ भी आपको ज़्यादा क्राउड नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि एक तो ऑब्वियस रीज़न है कि थोड़ा रास्ता आपका टफ है, जैसे हमने दिखाया जो 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेस था।
तो रोड ही नहीं है उसमें। तो वैसे तो काफ़ी शानदार है, देखिए जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो लग तो अच्छा रहा है। कोला बीच आपको काफ़ी शांत बीच लगने वाला है। देखिए वैसे तो ये फेमस है, यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे ना सराउंडिंग्स काफ़ी अच्छी है, कयाकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ पर। जैसे हम यहाँ पर हम कयाकिंग करेंगे तो यहाँ पर भी कयाकिंग की जाती है, इवन जो पैरोनियम बीच है ना तो वहाँ पर भी आपकी कयाकिंग की जाती है। बेस्ट यह रहेगा कि अगर आप यहाँ पर आप फर्स्ट कयाकिंग करेंगे ना तो काइंड ऑफ आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा इससे पहले कि आप पैरोनियम मेन बीच पर कयाकिंग करें। तो अभी प्लान ये है कि हम एक ही कयाक में आ गए, तो हम एक ही कयाक में आ गए हैं और निहारिका इज़ द ड्राइवर, तो मैं भी चलाऊंगा, लेकिन अभी तुम ही चलाओगे ना, गिराना मत मुझे। चलाना अच्छा, तो अगर लेफ्ट, अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे देखो राइट काटनी है ना, तो मुझे क्या करना है, ये लेफ्ट की तरफ देखो राइट कट रही है, अब देखो अब मुझे लेफ्ट काटनी है उधर जा रही है, अब देखो राइट की तरफ मैं करूँगा, ये देखिए वहाँ देखो, तो देखो ये आपकी ऐसे आ गई। तो इस तरह से आप सीख सकते हैं और राइट को काटता रहूँगा, ये चलाना इतना डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट 2 से 3 मिनट लगेगा आपको। कैसा लग रहा है कैकिंग करते हुए, एक्सरसाइज हो रही है ना, और क्या सिखाया था मैंने, हाँ अब तुम्हें पूरा पूरा काटते रहो, हाँ इससे क्या है कि तुम्हारा पूरा कटेगा, और काटो और भी, क्या पूरा काटो 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 ना टकराई के आगे, और काटो 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 काट पूरा काटो, ये पूरा काटो और काटो 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 टकराएगी। तो इस तरह से ध्यान रखना है, सीख रहे हैं अभी, ये भी मैंने तो सीख ली, मज़ा आया तुम्हें सीखने में, हाँ अभी ऐसे काटोगे तो लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट कटेगी, और लेफ्ट से काटोगे टुवर्ड्स राइट कटेगी, और सीधी चलानी है तो लेफ्ट एंड राइट होता रहेगा। तो वहाँ से हम आ रहे हैं जो कोला बीच दिखाया था, अब हम जा रहे हैं गोंडा बीच। तो ये रास्ता है, इवन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले जो ये रास्ता आ ही रहा है, ये रोड आ रही है, पहले आप अगोंडा चले जाएं, उसके बाद आप यहाँ से सीधा कोला बीच की तरफ चले जाएं। तो हम पहले कोला गए, अब अगोंडा की तरफ जा रहे हैं। रास्ता जैसे मैंने आपको दिखाई दिया था थोड़ा सा ख़राब है कोला बीच का, तो वो थोड़ा आप देख लेना। अब यहाँ पर देखते हैं कि कैसा रहता है आपका अगोंडा बीच, तो चलिए चलते हैं।
एगोंडा बीच पहुंच गए हैं। तो वहां से हम आए हैं, तो इस बीच में ना लोग तो कम दिख रहे हैं। इवन अगर आप देखेंगे तो वहां पर कुछ लोग दिख रहे हैं नहाते हुए। ये भी सेम पैलोनियम जैसा ही है कि जहाँ पर आपका बीच साइड रिसॉर्ट और रेस्टोरेंट आपके मिल जाते हैं। इस साइड भी अगर मैं देखूँ तो वहाँ पर आपकी बोट्स वगैरह हैं और सेम हट्स वगैरह बना रखे हैं, रेस्टोरेंट। लेकिन काफ़ी कम लोग हैं यहाँ पर, तो कुछ देर तो यहाँ पर रहेंगे और प्लान भी यही है कि यहाँ पर ही हम लंच करके जाएंगे, है ना, यहीं पर ही लंच करेंगे। तो थोड़ा सा बीच में जाते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये बीच भी, शानदार है। और यहाँ पर वो बीच बीच में रॉक्स भी दिख रही हैं, इधर आप देखेंगे वहाँ पर रॉक्स दिख रही है, रॉक्स हैं यहाँ पर काफ़ी, नहीं साइड में। रोसा मिस्टिका में हम आज जो ट्राई करने वाले हैं ना, एक तो मेरी रहेगी फ़िश थाली, इसमें फ़िश और आई थिंक प्रॉन्स वगैरह ने बोला है 199। चिकन थाली भी आप ट्राई कर सकते हैं और वेज थाली, तो वेज थाली का है आप रेट देख सकते हैं 99। अब यहाँ से हम जा रहे हैं गलजी बाग बीच, अपोजिट डायरेक्शन में है। जब हम कोला बीच गए थे उस डायरेक्शन में था कोला बीच, अगोंडा और गलजी बाग, गलजी बाग अगर मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ तो, गलजी बाग जो बीच है वो इस डायरेक्शन में हमें बताया गया है। थोड़ा नेटवर्क का यहाँ प्रॉब्लम है, स्पेशली एयरटेल का। जियो के तो मैंने देखा था नेटवर्क आ रहे हैं, बट एयरटेल का थोड़ा प्रॉब्लम तो है। अब जाके दोस्तों नेटवर्क आया है, तो मुझे नेविगेशन में ये दिखा रहा है, अगर मैं देखूं 12 मिनट का रास्ता है 10 किलोमीटर, 3:18 पे पहुंचेंगे और अभी टाइम हो रहा है 3:06। थोड़ा अगोंडा में दिक्कत तो है आपकी नेटवर्क की। तो सुबह ना हम यहाँ चले गए थे कोला बीच के लिए और अब हम ले रहे हैं राइट गलजी बाग, या ऐसा क्या नाम है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, गलजी बाग। अब माफ़ कीजिएगा मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, तो उसके लिए गलजी बाग। हाँ आंटी भी वही बता रहे हैं, तो चलिए चलते हैं, यहाँ हमें राइट में मुड़ना है। तो याद रखिएगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ऊपर की तरफ गलजी बाग और नीचे की तरफ आपका कोला बीच। तो चलिए चलते हैं। हाईवे है ना, ये कारवार वाला ही हाईवे है, कारवार आई थिंक बैंगलोर कोची, तो इसी हाईवे से ही आप जा सकते हैं। 4 लेन है, दो इस तरफ और दो उस तरफ को, अच्छा हाईवे है ये, और मेरे ख्याल से वेस्टर्न घाट्स और कोस्टल रेंज को ही कनेक्ट करता है। अगर आप इस रास्ते से भी आप जा सकते हैं, कल हम जब जाएंगे वापस तो ट्राई करेंगे इसी रास्ते से अगर हम जाएँ एटलीस्ट कारवार से होते हुए,
वो भी आपको दिखाएंगे। कारवार यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली आई थिंक 15 या 20 किलोमीटर ही होगा। तो ये देखिए नदी, मैं आपको दिखाऊँ वहाँ से आ रही है नदी या बैक वाटर्स कह रही है, वापिस आने में एक बार दिखाऊँगा। यहाँ पर है चर्च और यहाँ पर बोर्ड लगा भी है गल्गीबाग बीच। अब पार्किंग का थोड़ा जैसा लिखा हुआ है ना, अगर मैं आपको दिखाऊँ कि प्राइवेट पार्किंग आवर लाइक आउटसाइड व्हीकल पार्किंग प्रोहिबिटेड, प्लीज़ पार्क अंडर द ब्रिज। अब अगर मैं आपको बताऊँ तो देखिए लिखा तो ये है कि शायद मेरे ख्याल से वहाँ पर कहीं पार्क करना है, लेकिन हमने एक लोकल से पूछा है तो उन्होंने बोला यहाँ पर हम पार्क कर सकते हैं क्योंकि जो वॉली पार्किंग है वो चर्च की प्राइवेट पार्किंग है। तो इधर हम लगाएंगे गाड़ी को यहाँ पर और यहाँ से हम जाएंगे आगे की तरफ। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। पार्किंग का दोस्तों मैंने आपको दिखाया था ना वहाँ पर है, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन था, यहाँ पर भी आप गाड़ी लेके आ सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर भी आप पार्क कर सकते हैं। तो ये है गल्जी बाग बीच, ये फेमस है आपका टर्टल नेस्टिंग से, ये एक टर्टल नेस्टिंग साइट है। तो जब सीजन होता है तो यहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल इनकी यहाँ पे जो है नेस्टिंग होती है, हैचिंग होती है, तो इसलिए ये बाग, ये बीच फेमस है गल्जी बाग बीच। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो टर्टल नेस्ट भी बना रखे हैं और उसमें मैं थोड़ा सा पास लेके जाता हूँ, डेट भी लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल देखेंगे पिट नंबर 20, डेट 25/3/2023, तो मार्च ही में शायद ये बना है। नंबर ऑफ एक्स मतलब जब टर्टल एक्स जो देंगे तो उसमें आई थिंक नंबर भी लिखा जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और मतलब बीच के साथ साथ मतलब एंजॉय तो कर ही रहे हैं, साथ साथ पर्यावरण की रक्षा के लिए और स्पेशली स्पीशीज जो टर्टल स्पीशीज को कंजर्व रखने के लिए यहाँ पर ये कदम भी उठाया जा रहा, तो अच्छी बात है। इस तरफ है बीच और इस तरफ आप देख रहे हैं यह है बैकवाटर्स या नदी कह लीजिए। तो ये इस तरह की लोकेशन ना बहुत कम रहती है, तो जैसे मैंने बताया गल्गीबाग बीच में हमें मिल गया है। All I want.
तो दोस्तों ये थी हमारी गोवा सीरीज की कंप्लीट वीडियोस। आई होप हमारी जो गोवा सीरीज है आपको पसंद आई होगी, और अभी तक अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।